सो गाइज वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज हम बात करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, पर गाइज मेरे फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पर गाइज अब हमारा फ़ोन ठीक है। तो हम आज आए हैं बात करने में टॉप 5 पोकेमॉन ऑफ मिस्ट्री, हाँ गाइज मिस्ट्री के बारे में। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फाइव में जो पोकेमॉन है गाइज, वो मिस्ट्री को जोटो रीजन में मिला था, वो भी अल्फा ओमेगा के लिए। वो बहुत शक्तिशाली पोकेमॉन भी है मिस्ट्री का, वो है कोर्सला। कोर्सला ऐसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है मिस्ट्री का, वो डिजर्व करता है नंबर 5 पे, इसीलिए इसके आगे को आपको पता चलेगा। नंबर फोर पे जो पोकेमॉन है वो मिस्ट्री का बहुत हद से ज़्यादा फनी पोकेमॉन था कैंटो, जो तो वो अभी तक मिस्ट्री के साथ ही है, वो है साइडक। हाँ गाइस साइडक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, जब वो अपने मूड में आता है ना वो बहुत तबाही मचाता है, आपने कैंटो में तो देखा ही होगा उसे, तो इसीलिए वो नंबर 4 पे है। नंबर थ्री पे जो पोकेमॉन है गाइस, वो मिस्ट्री को मतलब ऐश के लिए मिला था, मतलब ऐश की मदद करने के लिए मिला था, और फिर भी वो है गाइस अपना प्यारा पोकेमॉन पॉलीडोर। हाँ गाइस पॉलीडोर मिस्ट्री को मिला था पहले स्टेज में पॉलीवॉल में, तो उसने अपने फुली वॉल पोकेमॉन पॉलीडोर, अरे पॉली रात को भी हरा दिया था गाइस, और इसीलिए वो एज अ बहुत शक्तिशाली पोकेमॉन है मिस्ट्री का, और वो अभी तक वो बहुत ज़्यादा फनी था साइडक के बाद। तो गाइस जो अब अगला नंबर पे जो पोकेमॉन है वो है नंबर टू पे जो पोकेमॉन आता है गाइस, वो मतलब एक्चुअल में तो उसकी जगह उसका पहला स्टेट डिजर्व करता था, पर गाइस वो वीक है, इसकी वजह से वो गेम्स में भी आपको देखने मिला होगा। अगर आपने पोकेमॉन फायर रेड ऐसे टेंपो के गेम्स खेले होंगे ना, मिस्ट्री जिसमें जिम लीडर है, तो उसमें आपको वो पोकेमॉन देखने को लगा, वो है गाइस मिस्ट्री का स्टार्मी। हाँ गाइस यहाँ पे स्टार्यू नहीं आया, वो जो है ना वो वीक है, तो स्टार्मी इसीलिए स्टार्मी मिस्ट्री के स्टार्यू का विकसित रूप है, और वो काफ़ी शक्तिशाली है गेम्स में, आपको पता ही होगा, इसकी वजह से गाइस यहाँ पर मैंने स्टार्यू को रखा है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले नंबर वन पे जो पोकेमॉन है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने अलोरा रीजन देखा है तो आपको पता है कि नंबर वन पे जो पोकेमॉन है वो एज अल्ट्रा है मिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, मतलब मिस्ट्री का ऐसा अभी तो कोई पोकेमॉन नहीं है जो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया है, वो है गाइस मिस्ट्री का गैरडोस, मेगा गैरडोस। मेगा गैरडोस की पावर गाइस बहुत हाई लेवल के टच में है, उसकी ही वजह से मिस्ट्री अलोरा रीजन में अपीयर हुई थी, और मिस्ट्री ने उसको सरप्राइजली यूज़ किया है मेगा गैरडोस, तो पहले वो उसे हेट करती थी पर अब उसे वो पसंद आ चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, स्टार्यू नहीं आया उसके लिए आप लोग अफसोस है, तो भाई गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, टाटा सी यू इन नेक्स्ट।